भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनीता कटारिया ने नीमच में देवभूमि पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को विधानसभा चुनाव के पहले महिलाओं का सम्मान याद आ रहा है। इससे पहले उन्हें कभी महिलाओं की चिंता ने परेशान नहीं किया। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज और उनकी सरकार महिलाओं के प्रति काफी संवेदनशील है। अनीता कटारिया ने कहा कि लाडली बहना योजना महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। अनीता कटारिया ने शिवराज सरकार की कई उपलब्धियों का बखान भी किया। आज हम यहाँ पर पूरे प्रदेश में एक साथ पत्रकार वार्ता के माध्यम से जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि लाडली बहना जो योजना है उसका 1 तारीख से 10 तारीख तक एक फॉर्म स्वीकृत किया जाएगा और उसमें शासन के साथ साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की समस्त पदाधिकारी बहनें लगेगी और उन पात्रता बहनों को पत्रक स्वीकृत कराएंगी। साथ ही साथ में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगी और आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि आपने हम बहनों की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए आपने ये योजना का लाभ लाडली बहना को दिलाया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ में हमारे जो 10 तारीख है, 10 तारीख के आसपास समस्त बहनों के खाते में ये राशि डाल दी जाएगी। आज हम यहाँ पर आए उसका उद्देश्य लाडली बहना का ये जो संदेश लेके आए हैं, क्योंकि आम जनता को गुमराह किया जा रहा है कि ये योजनाएं चुनाव तक ही है। हम ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई योजना नहीं रही कि चुनाव तक ही सीमित रही है। ये मध्य प्रदेश की और देश की जनता जानती है और हमें बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी जो लोग गुमराह कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया है, कांग्रेस में ऐसा कभी कोई बेटियों के मान सम्मान के लिए ऐसी कोई योजना ही निकाली जहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी ने निकाली है, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं पत्रकार वार्ता के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और अपने काम पर खरी उतरती है। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।